Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you regulation of respiration. ठीक है, तो हमें ये पता है, जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में देखा कि डायफ्रेगम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पिरेशन को इनिशिएट करने में और उसको कंटिन्यू करने में. ठीक है, एंड देन वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है हम बार बार रिस्पिरेशन करते हैं या बार बार ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है, हवा को लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं. ये सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि जो प्रेशर ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है CO2 और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एंड ऑल दैट फैक्टर्स, ये सब कुछ जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने पढ़ा. ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने अपने रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा फेस किया होगा कि अचानक से जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ गई, तो क्या डायफ्रेगम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आने लग गया होगा? उसको कैसे पता चला? ठीक है, जब मैंने कहा कि डायफ्रेगम तो इनवॉलंटरी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसके मूवमेंट को. ठीक है, तो उसको कैसे पता चला? ठीक है, एंड देन हम कभी जब सो रहे होते हैं तो हम बहुत आराम से सांस लेते हैं, नहीं, हमारी ब्रीदिंग लगता है कि हम बहुत आराम आराम से सांस ले रहे हैं. तो जनरली जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो क्या है? 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट. हम एक मिनट में 12 से 16 बार सांस ले सकते हैं. ठीक है, ये एक रेंज है. देन अब जैसे मैंने कहा कि एट टाइम्स हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो जाता है तो कभी हमें लगता है कि हमारी सांस छूट रही है तो हम और जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, है ना? तो कैसे ये रेगुलेट होता है, कभी आपने सोचा है? यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से भी हमारे रिस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है. ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही जो है हमारी बॉडी को चलाता है, ब्रेन ही हमारा मास्टर है. ठीक है, तो ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई जो शरीर है आपका, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ज़्यादा सांस लो, और जल्दी जल्दी सांस लो, तुम्हारी बॉडी को और एनर्जी की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन और ATP बनाने की ज़रूरत है, तो और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, तो और जल्दी जल्दी सांस लो. तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जाती है तो बाकी जो ऑर्गन्स इससे एसोसिएटेड हैं वो सब जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं ना. जैसे आप आराम से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अचानक से आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कल आपका टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट है, तो आप और ज़्यादा पढ़ने लगते हो. कैसे कैसे? क्योंकि आपके पास सिग्नल आया, आपके ब्रेन के पास मैसेज आया कि भाई ऐसी कंडीशन है, कल को ये होने वाला है. तो वैसे ही आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये मैसेज आता है. कहाँ से? आपके ब्रेन के पास. ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे ब्रेन फिर फंक्शन में आता है. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू. तो बॉडी की टिश्यू के डिमांड को सूट करने के लिए कई बार हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट को या रेस्पिरेटरी रिदम को, सांस लेते हैं ना, सांस लेना और छोड़ना ये एक रिदमिक एक्शन है. ठीक है, बार बार होने वाला है, इसकी स्पीड को हम घटा या बढ़ा सकते हैं. एंड ये कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारे न्यूरॉन से, हमारे ब्रेन से होता है. ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होती हैं और इन पूरे न्यूरॉन्स के कलेक्शन को हम न्यूरल सिस्टम कहते हैं. ओके, एंड अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन. हमारे ब्रेन का जो मेड्यूला रीजन होता है, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, मेड्यूला रीजन के पास ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर. मेड्यूला रीजन में एक रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है. सो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जिसे कि हम कहते हैं RRC, ठीक है, RRC या रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये हमारे जो रिस्पिरेशन की रिदम है इसको मेंटेन करने का काम करता है, एज वेल एज जरूरत पड़ने पे इसकी स्पीड को कम या थोड़ा ज्यादा करने का भी काम करता है. एंड इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन. अनदर सेंटर, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के अलावा, मेड्यूला में होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसके अलावा एक और हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जो कि रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. सो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन. ठीक है, पॉन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन कॉल न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, तो पी फॉर पॉन्स एंड पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, तो पॉन्स रीजन में कौन सा सेंटर होता है? पॉन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर
प्राइमरी फंक्शन करता है, प्राइमरी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर फंक्शन करता है, एंड देन रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को भी और ज्यादा कंट्रोल कौन कर सकता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में रहता है, ठीक है। एंड देन न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, देयर बाय ऑल्टर द रिस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो न्यूरल सिग्नल जो है न्यूमोटेक्सिक सेंटर से जब जाएगा और इस सिग्नल की वजह से जो रिस्पिरेशन का इंस्पायरेशन का जल्दी जल्दी हम सांस लेते लगते हैं और रिस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, इन दोनों ही रीजंस के अलावा, एक और बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारे ब्रेन में जिसको कि हम कहते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, ठीक है। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पड़ोस में बिल्कुल साइड में एक कीमो सेंसिटिव एरिया रहता है। कीमो सेंसिटिव मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल सेंसिटिव, ठीक है, यानी केमिकल्स को सेंस करने वाला एक एरिया रहता है जो कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में रहता है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो एक बात गौर करने वाली है कि ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये किसको सेंस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को। अगर हम सांस ले रहे हैं और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो गई है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई, तो ये रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट कर देता है और हम जल्दी जल्दी सांस ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो सके, ठीक है। और या हम जो बेचैनी महसूस करने लगते हैं, नहीं, जैसे हम कभी बंद कमरे में घुटन महसूस करना या बहुत पॉल्यूटेड इलाके में जब हम रहते हैं तो हमें बेचैनी लगने लगती है, तो वो इसी वजह से होती है, ओके। एंड देन विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक द necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. तो कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो जब ज्यादा होता है तो हमारे रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल जाता है और फिर वो ब्रीदिंग की रेट को बढ़ा करके CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की जो इसका परसेंटेज है वो वापस से रिड्यूस कर देता है बाय इंक्रीजिंग द रिस्पिरेटरी रेट। एंड देन रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arch एंड carotid artery कैन also रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो aortic arch एंड carotid artery, carotid artery क्या होती है? वो artery जो कि हमारे नेक से गुजरती है, और carotid artery क्या होती है? जो कि हमारे नेक से गुजरती है और वो हमारे फेस, नेक और ब्रेन तक ब्लड को लेके जाती है। और aortic arch मतलब जो aorta है, जब हमारे हर्ट से ब्लड निकलता है, ठीक है, हर्ट से ब्लड जब निकलता है तो aorta के थ्रू निकलता है, तो aorta का एक arch बनता है, ठीक है, और उससे बहुत सारी ब्लड वेसल्स फिर से बाइफर्केट होकर के निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में जाने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए। तो ये जो aorta का arch बनता है जिससे कि अलग अलग ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वो एरिया और carotid artery, ठीक है, वो दोनों ही हमारी CO2 और हाइड्रोजन आयन के बढ़े हुए कंसेंट्रेशन को ये भी सेंस करती हैं और ये भी सिग्नल देती हैं नेसेसरी एक्शन के लिए रिदमिक रिदम सेंटर को, ठीक है। सो एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदमिक रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को ही डिटेक्शन होता है। सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑक्सीजन का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी में जो है कुछ सेंटर्स होते हैं, एक सेंटर होता है मेड्यूला में जो कि जिसको कि हम रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। इसके अलावा पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है जो कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है फर्दर। एंड देन वी हैव अ कीमो सेंसिटिव एरिया इन द विसिनिटी ऑफ द रिदमिक रिदम सेंटर जो कि बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़े हुए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को सेंस करता है और रिदमिक रिदम सेंटर को जरूरी सिग्नल देता है कि अब भाई इनकी कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो रही है, आप नेसेसरी एक्शन करिए, यानी रेस्पिरेशन के या इंस्पिरेशन के रेट को बढ़ाइए और इनको बॉडी से एलिमिनेट करिए, ठीक है। इसके अलावा बॉडी में कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे गर्दन से गुजरती है, जो कि फेस और नेक और ब्रेन तक
ब्लड को लेके जाती है। ये भी CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को सेंस कर सकती है। और aortic arch यानी aorta का जो आर्च होता है वो भी CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बड़े अमाउंट को सेंस कर सकती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू कैन राइट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल एंड आई फॉलो योर कॉमेंट्स जेन्युइनली। डू गिव मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।